नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विभिन्न राज्यों में अगर बात की जाए तो एनडीए की तरफ से जहां एक तरफ प्रत्याशियों के नाम तक घोषित कर दिए गए हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन यानी कि INDIA अलायंस में अब तक उधेड़बुन जारी है। हालांकि इसी सिलसिले में आप देखेंगे तो बिहार में सीटों का जो बंटवारा है वो हो चुका है काफी मशक्कत के बाद। जहां एक तरफ राजद 26 सीटों पर है तो वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त है कि झारखंड राज्य में 2 सीटें अगर कांग्रेस राजद को देती है तभी जाकर कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। लेकिन झारखंड में भी फिलहाल अगर बात की जाए तो इंडी अलायंस जो है अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे बिहार से लेकर झारखंड के महागठबंधन में क्या कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है, कब तक जो है सीटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे और क्या कुछ अटकलें हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बता दें कि रफ्तार मीडिया के झारखंड से स्टेट हेड अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ बिहार से पटना से संवाददाता सागर कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही संवाददाता का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले, और बात करेंगे अरविंद जी के पास पहले चलेंगे। बताइए अरविंद जी, इस वक्त क्या कुछ आपको स्थिति लग रही है, चूंकि बिहार में सीटों का बंटवारा हो चुका है लेकिन उम्मीदवारों के नाम घोषित फिलहाल नहीं हुए हैं और झारखंड पे ये चीजें आकर अटक रही है? देखिए कृति, मैं बता दूं कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और इंडी गठबंधन ने साथ लाने की बात कही थी, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों के बंटवारे को लेकर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पेच फंसेगा, और झारखंड में ये स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि अभी तक कांग्रेस, JMM और अन्य जो दल है, राजद हो या तो वामपंथी दल है, उन लोगों ने आपस में सीटों का शेयरिंग नहीं किया है, लेकिन दावे प्रतिदावे शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि कोडरमा लोकसभा सीट की बात की जाए तो कोडरमा लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दावा कर रही है, और इसी बीच भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बगोदर के विधायक विनोद सिंह को उम्मीदवार के रूप में। तो अभी कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोडरमा सीट पर दावा था, लेकिन भाकपा माले ने वहां सीट अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी तरह से राजद की जाए तो राजद को चतरा सीट देने की बात की जा रही थी कि राजद के खाते में एक सीट जाएगा, लेकिन राजद के जो लोग हैं वो 2 सीट पलामू और चतरा पर अड़े हुए हैं। और इसी बात को लेकर बिहार में कांग्रेस का गठबंधन किया गया है कि कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है, कि झारखंड में राजद को 2 सीटें दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि झारखंड में अगर पलामू सीट कांग्रेस छोड़ती है और राजद के खाते में आता या नहीं। लेकिन अभी तक की उहापोह की स्थिति यह है कि जो सीट से पिछली बार चुनाव लड़े थे वे अपने प्रत्याशी को तैयारी करने का निर्देश तो दिए हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस पूरी तरह से सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर पाए, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और ना ही राजद। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि पेच जो है गठबंधन का अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है। कृति जी, चलिए सागर के पास चलते हैं, चूंकि बिहार से मामला जुड़ा हुआ है, बिहार में ही ये शर्त रखी गई है कि झारखंड में 2 सीटें दी जाएगी और बिहार 40 लोकसभा सीट है वहां पर फिलहाल। हालांकि सागर, सीटों का बंटवारा तो हो चुका है लेकिन उम्मीदवारों के नाम फिलहाल घोषित नहीं हुए हैं, इसके साथ ही साथ जो स्थिति बनी हुई है लगातार लग रहा है ऐसा कि लालू यादव के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही स्थिति और इसी वजह से देरी हुई गठबंधन में, देखा कि वर्चस्व रखा है। कीर्ति जी, सागर क्या कुछ लगता अभी है? जी अभी भी बैठक चल रही है महागठबंधन जो है वो राजद कार्यालय में। सागर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से आप एक बार कोशिश करेंगे, तब तक हम अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद जी बताइए कि जिस तरीके से सत्यानंद भोक्ता के बारे में इस वक्त जो है बयानबाजी झारखंड में तेज है, आलमगीर आलम ने कहा है कि सत्यानंद भोक्ता चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस पर राजद कह रही है कि उन्हें टिकट दिया कब गया, उन्हें सिंबल दिया कब गया जो उन पर यह बयानबाजी है। देखिए, कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी कई पेच फंसे हुए हैं। पहले जो चर्चाएं चल रही थी चाहे तो चतरा से राजद के उम्मीदवार की बात हो, दूसरे लोग तय कर रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि दुमका सीट से कृति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू ने खंडन किया
कि दुमका सीट से हेमंत सोरेन प्रत्याशी नहीं होंगे। तो अभी तक हेमंत सोरेन की ओर से कोई बयान नहीं आया या आधिकारिक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हेमलाल मुर्मू का बयान को भी काफी मायने रखता है। तो इसी तरह चतरा से अभी सत्यानंद भोक्ता की जो बातें चल रही थी, लेकिन राजद के लोगों का साफ कहना है कि जब सिंबल हम अभी दिए नहीं, प्रत्याशियों की घोषणा किए नहीं, तो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, पहले आप तो सीट तो फाइनल कीजिए कि किस सीट पर किस प्रत्याशी का उम्मीदवार होगा। अगर चतरा और पलामू राजद के खाते में जाता है तो राजद के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा। वो आलमगीर आलम को तय नहीं करना है या किसी अन्य को तय नहीं करना है, आलमगीर आलम को कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होंगे ये देखना है। ये तमाम अटकलें अभी है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग हो जाए। हालांकि इसी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो को गिरिडीह सीट से तैयारी करने को कहा गया है, कहा सकता है कि उन्हें एक तरह से गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अरविंद आपके पास वापस आएंगे, सागर जी के पास जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा से सागर के पास चलते हैं। सागर, सागर क्या सुन पा रहे हैं जी? जी सागर बताइए कि इस वक्त जो है बिहार में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके सीट बंटवारों की बात कही गई, तो उसमें भी देखा गया कि कहीं ना कहीं राजद के प्रवक्ता राजद के अध्यक्ष भी बोलते हुए नजर आए, चूंकि ये महागठबंधन की सरकार है, लेकिन उनके तरफ से बाकी के तमाम नेता वहां मूक दर्शक बनकर बैठे रहे, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं मिला। कीर्ति देख आलम है कि चाहे जितना भी आप बना लीजिए को छोड़कर अगर आप दूसरा गठबंधन, हाँ राजद के सामने की बिल्ली बन जाती है। कांग्रेस हो, लालू प्रसाद यादव, चलिए किसी कारणवश हम सागर जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अरविंद जी के पास दोबारा से चलते हैं। क्योंकि अरविंद आप देख रहे हैं इस वक्त क्या कुछ समीकरण चल रहा है बिहार से लेकर झारखंड तक, तो बिहार में भी अगर बात की जाए तो बहुत उधेड़ बुन के बाद जो है सीटों का बंटवारा हो पाया है। कांग्रेस जिसे बड़ी पार्टी पुरानी पार्टी कहती है अगुवाई कर रही है महागठबंधन का, लेकिन उन्हें 40 में से मात्र 9 सीटें दी जा रही है, वो भी शर्तों के साथ। कृति कांग्रेस की स्थिति चाहे झारखंड हो या बिहार हो या अन्य स्टेट हो, वहां पर कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे दूसरे के भरोसे है। चाहे तो आप महाराष्ट्र की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले। यहाँ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हालांकि बड़े भाई के रूप में रोल अदा किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, लेकिन बिहार में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि राजद अगर कहेगा दाहिने चलो दाहिने जाए, बाएं चलो तो बाएं जाए। तो इस उधेड़पुर में फंसी हुई है कांग्रेस बिहार में कि जो राजद चाहे वो होगा। पूर्णिया सीट की बात की जाए तो पूर्णिया में पूरे ताम झाम के साथ पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराया गया था, कांग्रेस से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी किए थे, लेकिन राजद की जीत के आगे ना तो पप्पू यादव की चली ना कांग्रेस से चला। हालांकि पप्पू यादव आज भी घोषणा कर रहे हैं कि वे हर हाल में पूर्णिया से लड़ेंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीटों के शेयरिंग को लेकर आपस में विवाद है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, पहले से कोई प्लानिंग तैयार नहीं था, यही कारण है कि पूर्णिया में जब पप्पू यादव को शामिल कराया गया था तो ये निश्चित तौर पर उसे कहा गया होगा कि पूर्णिया सीट से आप लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच जदयू छोड़कर जो नेत्री आई उसे राजद ने अपने प्रत्याशी बना दिया। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि आपस में कोई तालमेल नहीं था कि कौन सीट से किसका प्रत्याशी होगा, यही कारण है कि आज कई सीटों पर उधेड़बुन बनी हुई है। हालांकि 9 सीटें कांग्रेस को दी गई है राजद की ओर से, 5 वामपंथी पार्टियों को दी गई, जिसमें 3 CPIML को और 2 अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों को। तो कहा जा सकता है कि 26 सीट पर अकेले राजद चुनाव लड़ रही है, तो 9 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस बिहार में। उसी प्रकार झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में हालांकि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कांग्रेस द्वारा, अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ। 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है, जैसे हजारीबाग से JP पटेल पटेल का नाम आया है। अभी भी रांची जैसे जो हॉट सीट है वहां पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की जा सकी है। तो देखना होगा कि कौन प्रत्याशी होते हैं, कहाँ से प्रत्याशी होते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर निश्चित तौर पर गठबंधन में पेज फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अरविंद, फिलहाल अगर देखें तो इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में झारखंड की बात करें तो मात्र 3 सीटों के बारे में अभी बात की जा रही है। इसके साथ ही रंजन यादव जो है राजद के उपाध्यक्ष, उन्होंने सीधा बयान दिया है कि चाहे महागठबंधन रहे ना रहे, हम 2 सीटों पर झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यानी कि राजद कहीं ना कहीं अपने रास्ते निकल चुकी है, उन्हें अब दूसरे पार्टियों का जिस तरीके से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब उन्हें दूसरे पार्टियों की फिक्र नहीं है।
दबाव की राजनीति है, जिस तरह से राजद बिहार में दबाव बनाई कांग्रेस पर, वही दबाव झारखंड में भी चल रहा है। अब दो सीटों पर दबाव डाला जा रहा है कि दो सीट नहीं देंगे तो सकता कि अन्य सीटों पर भी राजद प्रत्याशी खड़ा कर दे। तो अभी तक एक तय नहीं है, जिस तरह से सीपीआई ने घोषणा किया है कि अगर 6 सीटों पर वे भी उम्मीदवार लगा सकते हैं, तो जो महागठबंधन की बात यार थी, इंडी अलायंस की बात यार थी, वो कहीं दिख नहीं रहा है। क्योंकि सीपीआई अगर अलग राह चले, सीपीआईएमएल अलग राह चले, कांग्रेस अलग राह चले, राजद अलग राह चले, तो फिर गठबंधन का क्या मूल रह जाता है। ऐसे में देखना होगा कि कुछ दिनों में कि क्या क्या लोगों का, हर पार्टी का क्या निर्णय होता है और क्या क्या स्थिति होती है। इसके बाद ही कोई साफ कह सकता है कि झारखंड और बिहार में इंडी गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी। जी कृति, अरविंद, जिस तरीके से महागठबंधन के लोग झारखंड में ये बातें कह रहे हैं, 7-5-1-1 का फॉर्मूला तय है। हालांकि अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जो 7-5-1-1 का फॉर्मूला है वो अब लग रहा है कि आगे काम आएगा ये फॉर्मूला। देखिए कृति, 7-5-1-1 का फॉर्मूला तय किया गया है निश्चित तौर पर। झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर, 1 सीट सीपीआईएमएल को और 1 सीट राजद की बात कही जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, सीपीआई भी तब ताकतवर नहीं है झारखंड में, हजारीबाग से भी नेतृत्व किया गया सीपीआई के द्वारा। तो सीपीआई अगर अलग राह चली तो निश्चित तौर पर इसका गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे उसके सेहत पर असर पड़ेगा। चलिए अरविंद सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक मिनट कृति जी बोलिए। 7 सीटों पर अगर राजद की जीत रही तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की सीट है उसी में कटौती होगी, क्योंकि झामुमो हर हाल में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जी चलिए सागर के पास चलते हैं, अगर आपको हमारी आवाज आ पा रही है सागर, तो बोलेंगे कि इस वक्त बिहार में फिलहाल सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन क्या अब मान लिया जाए बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कृति, मेरी आवाज आ रही है? जी सागर, बिल्कुल नहीं। ये भी जो है उठा पटा, जिस प्रकार देखा जाए तो बप्पू में अभी भी अटकलें लगाई जा रही है, निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस पर दबाव आ रहा है कि अगर पप्पू यादव तो फिर जो है मुश्किल होगी, आपको वहां से पप्पू यादव को या तो अपनी पार्टी से बर्खास्त करना होगा, निष्कासित करना होगा, तभी वो वहां से चुनाव करते हैं। तो ये एक दबाव की राजनीति, राजद की तरफ वो डोमिनेट करते हैं, राजद किसी भी कीमत पर पप्पू यादव कन्हैया जैसे नेताओं को तेजस्वी यादव के पैरेलल में लाकर खड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन सागर आखिर क्या कारण है कि पप्पू यादव को फिलहाल उनका विलय कराया गया कांग्रेस में, उसके बाद लालू यादव कह रहे थे कि हमारे राजद में विलय कर लो, मध्यपुरा से सीट दे दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या कारण, क्या लालू यादव इसे ईगो पर लेकर चल रहे हैं? जी कि से राजद के पास बहुत जो कद्दावर नेता है तो वो कोई नेता है नहीं राजद के, तो ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। और कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को कहीं ना कहीं बदला लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2014 जब पप्पू यादव राजद को मधेपुरा से चुनाव जीत कर आए थे तो उस समय राजद के टिकट पर एक साल बाद ही पप्पू यादव बाजी हो जाते हैं, यादव के बारे में उनकी बयान करते हैं, राजद के बारे में उल्टी सीधे बयान दिया करते हैं। पप्पू यादव का इस सरकार का जो रवैया रहा, बाबू रवैया रहा है, लालू यादव का कहना था कि पप्पू यादव अगर मधेपुरा से फिर से राजद लगे तब जो है उनकी जो पैठ थी वो तो राजद का वोट कम कहीं ना कहीं फिर से वर्चस्व में आएगा। और लालू यादव फिर कह पाते के बच्चे आप अकेले वहां लड़े थे तो नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे सिमिलर पहले भी जीते थे और अब भी जीते, क्योंकि पेच इसलिए है पप्पू यादव लड़ना क्यों नहीं चाहते मधेपुरा, तो मधेपुरा वो इसीलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कीर्ति, क्योंकि मधेपुरा के गलियों में घूम घूम कर पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में कई अनर्गल बातें की हैं, राजद के खिलाफ प्रचार किया है, तो राजद के सिंबल पर अगर वो चुनाव लड़ते वहां से तो उनको कहीं ना कहीं वहां की जनता को माफी मांगना पड़ता, बैकफुट होना पड़ता। इसीलिए पप्पू यादव चाहते थे कि पूर्णिया सीट मिले, लेकिन अब वो सीट मिलता हुआ नहीं दिख पाती। जी सागर, फिलहाल पप्पू यादव पे ही सबकी निगाहें टिकी हुई है बिहार में, चूंकि पप्पू यादव लगातार कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, अगर पूर्णिया सीट नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने जैसा होगा, तो अब अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो इससे क्या कुछ समीकरण में बदलाव आ सकता है कांग्रेस राजद पर?
देखिए, अगर निर्दलीय लड़ते हैं पप्पू यादव तो कांग्रेस को निष्कासित करना होगा। किसी भी हाल में कांग्रेस जो है राजद के खिलाफ नहीं जा सकती है बिहार में, खासकर क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और बिना लालू प्रसाद तेजस्वी प्रसाद यादव के कांग्रेस का बहुत ज्यादा वजूद बिहार में नहीं बचता है कीर्ति। तो हर हाल में अगर पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं तो पप्पू यादव को कांग्रेस निष्कासित कर देगी। और एक और चौंकाने वाली बात हम बताते हैं कीर्ति, कल जो राजेश राठौर हैं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कीर्ति कि पप्पू यादव अभी तक आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी नहीं लिए हैं। तो आप इस स्टेटमेंट से, एक सिंगल स्टेटमेंट से समझ सकती है कि पप्पू यादव को लेकर जो कांग्रेस के बिहार नेतृत्व तो है उनमें कितनी तलखी है। अखिलेश प्रसाद तो कभी नहीं चाहते थे कि वो पप्पू यादव इस गठबंधन में आए, तो पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस बिहार के नेताओं में नाराजगी पहले से ही है और अब तो उनको एक मौका भी मिल गया। बिल्कुल सागर, बड़ी बात कह रहे हैं ये आप, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात है जो है वो कही जा रही कि जो भी 9 सीटें दी गई है वो पहले से राजद जानती है, पहले से उस पर स्टडी कर ली गई है कि उन तमाम सीटों पर ज्यादा पैठ नहीं बना सकती है महागठबंधन की सरकार, इसलिए वो 9 सीटें कांग्रेस को दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, जो जीतने वाली सीटें थी उनको, उसको कांग्रेस को नहीं दिया गया है। कांग्रेस को वैसी ही सीटें सर्वे करके दी गई हैं जो बहुत मुश्किल सीटें थी, जो कठिन सीटें थी वो सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया गया। तो कांग्रेस बिहार में पूरी तरह से बैकफुट पर है। कांग्रेस की मजबूरी है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे पर बैठकर ही वो लोकसभा चुनाव की नैया पार कर सकती है। और पूर्णिया की बात अगर बताएं तो पूर्णिया में जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम राजद कार्यालय में ही मौजूद हैं, अभी राजद कार्यालय में एक बैठक भी चल रही है महागठबंधन की, अंदर शक्ति सिंह यादव हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं और राजद के प्रभारी हैं, वाम दलों के भी कई नेता हैं, बैठक तो यहाँ पर लगातार चल रहा है। लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर हम आपको बताते हैं कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अब पहले अगर लड़ते तो कुछ प्रभाव डाल सकते थे लेकिन अभी भी बहुत अपनी किरकिरी करा चुके हैं और इस वजह से पूर्णिया में अगर वो चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं डाल पाएंगे, ये राजद के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है थी। जी सागर, चलिए अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद, बताइए कि इस वक्त महागठबंधन में जो संशय की स्थिति बनी हुई है, आपने झारखंड के बारे में जानकारी दिया, सागर जिस तरीके से बिहार की बातें बता रहे हैं, इसका लाभ क्या एनडीए उठा पाएगी, किस तरीके से एनडीए को इसका लाभ मिल पाएगा? निश्चित तौर पर जब बिखराव होगा गठबंधन, इंडी गठबंधन में बिखराव होगा तो इसका लाभ तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन को ही मिलेगा। झारखंड की बात की जाए, झारखंड के 13 सीटों पर भाजपा और एक सीट गिरिडीह भाजपा के खाते में है, यानी कि 14 सीटों पर एनडीए के जो भी नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे तो सुदेश महतो हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो या तो भाजपा के, सभी 14 सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार आपस में ठीक चल रही, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि अगर सीपीआई अलग राह पकड़ ले, सीपीआईएमएल के लड़ने के बावजूद जिस तरह से कोडरमा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा पेश कर रही है, जब प्रकाश वर्मा को उतारने की बात की जा रही है, अगर वो दोस्ताना संघर्ष हुआ तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनावी परिणाम पर पड़ेगा और इसका सीधा लाभ एनडीए के प्रत्याशियों को मिलेगा। तो अब देखना यह होगा कि तमाम दावे प्रतिदावे भी चल रहे हैं, सीटों के बंटवारे को लेकर बात तो हो गई है कि कौन सीट से कौन लड़ेगा, इन प्रत्याशी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। अब राजद ने भी 2 सीटों पर पलामू और चतरा पर दावा ठोका है, अब देखना होगा कि गठबंधन कैसे इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलती है, प्रत्याशियों को नामों की घोषणा कर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। अगर आपस में बिखरा हुआ तो निश्चित ही झारखंड में फिलहाल सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, 14 लोकसभा सीट है उसमें भी उधेड़बुन की स्थिति बनी हुई है, तो बिहार में तो 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां एक तरफ एनडीए के लोग, खासकर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट जो है एनडीए के खेमे में आएगी, तो इसका लाभ, संशय का लाभ क्या एनडीए को मिलेगा? बिल्कुल, कहीं एनडीए पहले से भी आपने देखा कि 39 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में है, एनडीए पूरी तरह से 40 में 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है और उनके पास समीकरण है, नेता है, पहले से जिताऊ नेता है, उनके पास स्टार प्रचारक है, सब कुछ है एनडीए के पास। नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हुई है, तो एक हवा तो राम मंदिर और धारा 370 का जो हवा पूरे देश में चल रहा है उससे बिहार कहीं अछूता नहीं है कीर्ति। तो एनडीए तो फायदे में ही है कहीं ना कहीं, लेकिन
महागठबंधन में जिस प्रकार के उधेड़ बुन है उससे राजद को परेशानी नहीं है कीर्ति, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर परेशानी हो सकती है, वाम दलों को जरूर परेशानी हो सकती है, लेकिन राजद जो सोच रही है, लालू प्रसाद यादव जो चाह रहे हैं करना, वो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि राजद के पास होने के लिए कुछ नहीं है कीर्ति। राजद के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है लोकसभा का, तो राजद के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, मैदान साफ है। और ऐसे जातीय समीकरण साध कर लालू प्रसाद यादव टिकट बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोकसभा नहीं बल्कि आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसको टारगेट करके टिकट बांट रहे हैं। और लोकसभा में भले ही वो कम सीटों पर सीमित जाएंगे, लेकिन एक छाप छोड़कर जाएंगे लालू प्रसाद यादव, जिससे आने वाले विधानसभा में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि महागठबंधन के संशय पर हम बात कर रहे थे और इस पर हम आप दोनों ने जो जानकारी साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं कि आज का जो हमारा चर्चा था, बिहार से झारखंड तक महागठबंधन में संशय बनी हुई है और कहीं ना कहीं राजद के लालू प्रसाद यादव ही कांग्रेस को पीछे खींचने में लगे हुए हैं और इसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं एनडीए को मिल पा रहा है। और फिलहाल झारखंड में भी आप जो स्थिति देख रहे हैं कि एनडीए एक तरफ अपने लगभग 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए INDIA महागठबंधन की तो उसके द्वारा मात्र 3 प्रत्याशियों के नाम बताए गए हैं। सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। राजद ने बड़ा बयान दे दिया है कि महागठबंधन रहे या ना रहे, लेकिन 2 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये पार्टी आपस में ही तकरार करती है या फिर मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेगी। तो ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।